नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर नगर निगम द्वारा शहर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। गुरुवार से शहर के पुरव्याओ वार्ड स्थित मोगा बधान पर ड्रेनेज का काम शुरू हो गया है और झील में मिलने वाले नालों के पानी को सीधा तालाब से बाहर निकालने की मुहिम शुरू हो गई है। तालाब सफाई को लेकर नगर निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने बताया कि मोगा से वाटर लीकेज ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, क्योंकि शहर के जितने नाले हैं वे सभी लाखा बंजारा झील में मिलते हैं। इन्हें झील से अलग करने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि शहर की लाखा बंजारा झील एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो लंबे समय से अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। बहरहाल अब झील संरक्षण योजना के माध्यम से झील को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है ताकि शहर की सुंदरता में चार चांद लग सके। सागर से अनिल वर्मा के साथ सरमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जो मोगा बंधान पर जो काम लगा हुआ है, क्या है ये? मोगा बंधान से अभी हम लोग फिलहाल जो वाटर लीकेज ड्रेनेज है वो कर रहे हैं, क्योंकि झील में जितने नाले मिलते हैं उन सभी नालों को ट्रैप करते हुए और बाहर करना है ताकि हमारी जो लाखा बंजारा झील है वो गंदे होने से बच सके और जो प्रदूषित होती है नालों के माध्यम से रोक सके। तो सभी नालों को बाहर करना है, तो पानी को ड्रेन आउट कर रहे हैं और अभी लगभग जो है जितने नाले 2/3 झील के नाले दिखाई देने लगे हैं, तो उनका ड्राइंग डिजाइन सबमिट हो रहा है। जैसे ये अप्रूव्ड होते हैं तो इनका काम चालू हो जाएगा। और 1/3 जो झील है, जो कि चकरा घाट से लेके और अपना गौ घाट और जो गंगा घाट है वहाँ तक का जो पूरा एरिया है, गणेश मंदिर है उस वाला एरिया के अभी पूरे नाले नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही वो नाले दिखेंगे तो फिर उसका भी ड्राइंग बनाया जाएगा और वहाँ पर भी काम शुरू करेंगे। उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग यथाशीघ्र जो नाले हैं उनका टैपिंग शुरू कर दें ताकि नालों का पानी झील में मिलने से रोका जा सके।